ଭାରତୀୟ ଗୋବଂଶଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିରାକାରପୁରରେ ସୁଲଭି ଜନଜାଗରଣ ମହାଯଜ୍ଞ ପ୍ରଚାର। ଭାରତୀୟ ଗୋବଂଶ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସୁଲଭି ଜନଜାଗରଣ ମହାଯଜ୍ଞ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାଳିମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଆରେ ଜୁନ 19 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ସୁଲଭି ଜନଜାଗରଣ ମହାଯଜ୍ଞ ଓ ସନ୍ଥ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ନିରାକାରପୁରରେ ଏକ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଅଯୋଧ୍ୟାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମହାରାଜା ନିଜେ ଏକ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସୁରଭି ଜନଜାଗରଣ ମହାଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମହାଯଜ୍ଞରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାରାଜା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ନୀଳାଦ୍ରିଭୂଷଣ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାରା ଦୁନିଆ ନ୍ୟୁଜ୍। पुस्तक गौ प्रमाणी की लिखी है, उसमें गाय के कैसे हम आर्थिक विश्लेषण करके कैसे उसका आर्थिक उपार्जन कर सकते हैं वो पूरी डिटेल से उन्होंने लिखा हुआ है। उस पुस्तक को पूरे देश में पढ़ाया जाए, किसानों के बीच में ले जाया जाए, समिति बनाई जाए। अगर हम सरकार के भरोसे पर रहते हैं कि सरकार गौ के संवर्धन करेगी, समिति बनाएगी, नहीं, गाय के संवर्धन का काम पहले भी पंचायतें ही करती थी। हमें पंचायतों के स्तर पर समिति बनानी पड़ेगी, बाड़ों का निर्माण करना पड़ेगा, जहाँ ऐसे गाय जो दूध नहीं देते उनके वहाँ पर रखना पड़ेगा, उनके चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और जो गोबर देते हैं उनसे हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो गांव के ही महिलाओं को, बच्चों को ही और रोज़गार मिल जाएगा। तो इससे हम काफ़ी रोज़गार भी दे सकते हैं और प्रकृति की भी सुरक्षा होगी, ग्लोबल वार्मिंग का भी हम कम कर सकते हैं। ट्रैक्टर का प्रयोग कम करके प्राचीन काल के तरीके से हम बैलों का प्रयोग करेंगे तो बैल भी कटेंगे नहीं, कटाई करने में नहीं जाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि गौ आधारित पूरी अर्थव्यवस्था जब तक भारत की नहीं होगी तब तक हम कुशल कुशल और सफल नहीं होंगे, न सुखी होंगे, न समृद्धशाली होंगे। धन्यवाद। जय गौ माता।